स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का वीडियो बेस्ड है लाइकेन्स के ऊपर। हमने लाइकेन्स का इससे पहले भी एक पार्ट बना दिया था जिसमें कि हम लोगों ने जनरल फीचर्स डिस्कस किए थे। आज हम लोग लाइकेन्स के और भी करेक्टर्स और रिप्रोडक्शन वगैरह को यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट टू के अंदर। सबसे पहले ये देखिए, थैलस के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण, मतलब थैलस किस प्रकार का है उसके आधार पर हम लाइकेन्स को तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। ओके, सबसे पहला है क्रस्टोज लाइकेन, दूसरा जो है वो फॉलियोज लाइकेन, और तीसरा जो है वो कौन सा है, फ्रूटिकोज लाइकेन। सबसे पहले जो एक क्रस्टोज लाइकेन होता है, ये क्रस्टोज लाइकेन कैसे होते हैं, ये जो क्रस्टोज लाइकेन होते हैं इनका जो थैलस होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, चपटा होता है, और ये किसी भी सबस्ट्रेटम से यानी कि आधार से एक मोटी परत के रूप में क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं, और इनको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। जब तक कि आप इनको ब्रेक ना कर दें तब तक आप इनको आसानी से अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे आधार से चिपके रहने वाले लाइकेन्स को हम क्रस्टोज लाइकेन्स के नाम से जानते हैं। जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ग्राफिक स्क्रिप्टा, एक तो जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो है ग्राफिक स्क्रिप्टा, और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है राइजोकार्पोन। ओके, नाउ दूसरे जो लाइकेन्स है, इन लाइकेन्स का जो थैलस है वो फोलियोज लाइकेन हम इनको कह रहे हैं। तो ये लाइकेन्स कैसे हैं, तो फोलियोज का मतलब क्या होता है, पत्ती, तो ये बिल्कुल सूखी पत्तियों के समान जो है वैसे लाइकेन्स हैं, और ये लाइकेन्स किसी भी आधार से सबस्ट्रेटम से कुछ विशेष प्रकार की रचनाओं के द्वारा जुड़े रहते हैं जो राइजोइड्स या मूलाभासों के समान होती है, और उन रचनाओं को हम राइजीन्स कहते हैं। ओके, और फोलियोज लाइकेन का सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है, एक तो है पेल्टीजेरा और पार्मिलिया। पार्मिलिया और पेल्टीजेरा दोनों ही फोलियोज लाइकेन्स है। ओके, और जो तीसरे हैं जिसको बोलते हैं फ्रूटिकोज लाइकेन्स, ये लाइकेन्स का जो थैलस है वो सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड है, मतलब सबसे सुविकसित यदि कोई लाइकेन है तो वो कौन है, फ्रूटिकोज लाइकेन है, और ये बिल्कुल छोटे पादपों के समान है। दीज आर जस्ट लाइक द टाइनी प्लांट्स, और ये रचना में कैसे होते हैं, बेलनाकार व शाखित होते हैं। इन स्ट्रक्चर दे आर सिलेंड्रिकल एंड दे आर ब्रांच्ड। ओके, अच्छा याद रखना, ये जो फ्रूटिकोज लाइकेन्स होते हैं ये या तो कैसे होते हैं, ऊर्ध्वाकार होते हैं, या तो ये इरेक्ट होते हैं या किसी सबस्ट्रेटम से ये लटके रहते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वाकार जो लाइकेन्स है उसका सबसे जो बढ़िया एग्जाम्पल है वो है क्लेडोनिया, और ऐसे लाइकेन जो किसी सबस्ट्रेटम से लटके रहते हैं उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है, असनिया। ओके, और साथ के साथ ये भी ध्यान रखना, जो ये फ्रूटिकोज लाइकेन्स होते हैं ये किसी आधार से सबस्ट्रेटम से कुछ विशेष प्रकार की रचनाओं के द्वारा संलग्न रहते हैं, उनको हम बोलते हैं बेसल म्यूसेलेजिनियस डिस्क, यानी कि आधारीय श्लेष्मीय डिस्क के द्वारा ये लाइकेन्स किसी आधार से जुड़े रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि थैलस के प्रकार के आधार पर लाइकेन्स को तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, क्रस्टोज लाइकेन्स, फोलियोज लाइकेन्स और फ्रूटिकोज लाइकेन्स। एग्जाम्स के अंदर कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, नाउ अभी सेकंड जो आ रहा है वो है रिप्रोडक्शन इन लाइकेन्स। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि कई सारी किताबों के अंदर इसको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है, राइट? तो आप इसको अच्छे से समझें। यहां पर लाइकेन्स के अंदर जो जनन की विधियां हैं, रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं वो तीन तरीके के हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। ओके, नाउ ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, कायिक जनन, ये इनके अंदर तीन विधियों के द्वारा हो सकता है। पहला तो है खंडन, जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है इसीडिया नामक रचनाओं के द्वारा, और तीसरा है सोलिडिया नामक रचनाओं के द्वारा। ओके, नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो सबसे कॉमन मोड है वो तो कौन सा है, एक तो फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, खंडन, जिसमें कि लाइकेन कई टुकड़ों में टूट जाएगा और हर एक टुकड़े से एक नया लाइकेन थैलाई बन सकता है। दूसरा इसीडिया के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि आप लाइकेन के स्ट्रक्चर को देखोगे तो लाइकेन के स्ट्रक्चर के अंदर जो अपर कॉर्टेक्स, ऊपरी कॉर्टेक्स वाला जो भाग है, उस अपर कॉर्टेक्स में कुछ विशेष प्रकार की इलोंगेटेड आउटग्रोथ्स पाई जाती है, कुछ अनुलंब या दीर्घाकार अतिवृद्धियां पाई जाती है,
और अपर कॉर्टेक्स में पाई जाने वाली इन अतिवृद्धियों को हम इसीडिया कहते हैं, और ये इसीडिया नामक रचनाएं जो होती है वो लाइकेन्स के अंदर कायिक जनन के अंदर मदद करती है। ओके, और तीसरा जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का प्रकार वो है सोरिडिया। याद रखना ये सबसे कॉमनेस्ट मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। सबसे ज्यादा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो यदि किसी रचना के द्वारा होता है तो वो किसके द्वारा होता है? सोरिडिया के द्वारा होता है। अभी सोरिडिया है क्या, तो यूं समझिए कि जो लाइकेन्स का जो थैलस होता है, लाइकेन के थैलस पर पैच के रूप में, लाइकेन्स के थैलस पर पैच के रूप में कुछ रचनाएं पाई जाती है, उन रचनाओं को हम बोलते हैं सोरिलियम। क्या बोलते हैं हम उनको? सोरिलियम कहते हैं, राइट। और इन सोरिलियम नामक रचनाओं पर अनेक ग्रेनुलर संरचनाएं पाई जाती है, और इन ग्रेनुलर संरचनाओं को हम सोरिडिया कहते हैं। ओके, तो थैलस के ऊपर सोरिलियम है, सोरिलियम के ऊपर क्या है? सोरिडिया है। और हर एक सोरिडिया या सोरिडियम पर एक या अनेक एल्गल सेल्स पाई जाती है, और इन एल्गल सेल्स को घेरे हुए क्या पाए जाते हैं? फंगल हाइफी जो है वो पाए जाते हैं। आर यू गेटिंग? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तीन कैटेगरीज होगी, फ्रेगमेंटेशन, इसीडिया और सोरिडिया। ओके, अब आ जाते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, अलैंगिक जनन के ऊपर। अलैंगिक जनन लाइकेन्स के अंदर पिक्निडियोस्पोर्स के द्वारा होता है। ओके, किसके द्वारा होता है? पिक्निडियोस्पोर्स के द्वारा। और ये जो पिक्निडियोस्पोर्स हैं, पिक्निडियोस्पोर्स विशेष प्रकार की फ्लास्कनुमी रचनाएं होती है जिनको कि हम पिक्निडियम कहते हैं, उनके अंदर बनते हैं। तो याद रखना पिक्निडियम नामक फ्लास्कनुमी रचनाओं के अंदर पिक्निडियोस्पोर्स बनते हैं, और ये पिक्निडियोस्पोर्स अलैंगिक जनन के अंदर क्या करते हैं? मदद करते हैं। और पिक्निडियम के ऊपर एक छोटा सा छेद होता है, पोर होता है, उसको ऑस्टियोल कहते हैं। तो इस ऑस्टियोल के द्वारा पिक्निडियम के अंदर भरे हुए पिक्निडियोस्पोर्स बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलकर आगे चलकर ये क्या बनाते हैं? एक नए लाइकेन थैलस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो ये जो थे वो तो थे वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स। तो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर रिप्रोडक्शन की दो विधियों को यहां पर डिस्कस किया है, और साथ ही हमने थैलस के प्रकार के आधार पर लाइकेन्स का वर्गीकरण पढ़ा। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाइकेन्स का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वगैरह है उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। यदि आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।